Hello and welcome back to my channel. I'll make this video in Hindi as many people has commented in my earlier videos. Let's start with the video right away. आज इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों माउस को. मैंने इन दोनों माउस के कंपैरिजन वीडियोस YouTube में बहुत सर्च किए बट कहीं पे भी नहीं मिला. किसी ने भी कंपेयर नहीं किया. लोगों ने आइदर सिर्फ इस माउस का वीडियो बनाया है और सिर्फ इस माउस का. किसी ने भी दोनों का एक साथ कंपैरिजन नहीं किया, साइड बाय साइड जिसको बोलते हैं हम. ये माउस मैं ऑलमोस्ट एक साल पहले ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से और ये माउस आज ही डिलीवर हुआ है. सो दोनों माउस को मैंने अनबॉक्स कर लिया है और फर्स्ट इम्प्रेशन, मतलब हाथ में बॉक्स मिलने के बाद एक चीज़ ज़रूर फील होता है कि A15 का बॉक्स का क्वालिटी भी F15 से बहुत ज़्यादा ही चीप है. और F15 ऐसे ट्रे के अंदर आता है प्लास्टिक का. इसका यूज़र मैनुअल भी है, ऑल्दो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है फिर भी यूज़र मैनुअल है एक बॉक्स के अंदर. ये सिर्फ एक ऐसा फोम के पैकेट में आता है और यहाँ पे लिखा है कि यूज़र मैनुअल है बॉक्स में, बट मेरे बॉक्स में नहीं है. बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो जो मैंने देखा था उनके भी A15 में यूज़र मैनुअल नहीं था. ठीक है, पेपर बचाते हैं वो लोग, कोई बात नहीं. वैसे भी कोई पढ़ता भी नहीं यूज़र मैनुअल. तो माउस को हाथ में लेके इनका फर्स्ट इम्प्रेशन है कि F15 का बिल्ड क्वालिटी A15 से बेहतर है. F15 मैंने थोड़ा बहुत तो यूज़ किया ही है एक साल में. मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ये माउस यूज़ करता हूँ बट कभी कभी ये भी निकालता था मैं. इसमें प्लस माइनस प्रॉपरली लिखा है DPI का स्विच. ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड बटन है. यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा पर ये भी सेम काम करता है इस माउस के जैसे. और इस माउस में एक वेलवेट टाइप का फिनिश है, ये सेटिस्फाइंग लगता है हाथ में और ग्रिप ज़्यादा बनता है. इसमें वैसा कोई फिनिश नहीं है और इसका क्लिक भी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है. और इसका क्लिक उतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है. मैं माइक के पास ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ. और स्क्रोल व्हील दोनों का सेम है. बटन्स, बाकी सारे बटन्स भी सेम लगता था मुझे पर है नहीं. ये बहुत चीप फील होता है A15 का. ये दो बटन्स, ये बहुत टैक्टाइल बटन्स है F15 में. ये बटन्स भी टैक्टाइल है, ये भी थोड़े स्टिकी बटन है. स्टिकी मतलब ऐसा बटन कि सोचो कोई बटन के अंदर च्युइंगम घुसा दिया है, ऐसा टाइप बटन. तो अब मैं कनेक्ट कर लेता हूँ दोनों का, RGB दिखाता हूँ. तो दोनों माउस को मैं कनेक्ट कर लिया है बट एक चीज़ मुझे अच्छा लगा A15 में कि इसे कनेक्ट जब करते हैं तो ये ग्रीट करता है एक तरह से. ऐसे दिखाता हूँ, ये अच्छा लगा. और F15 डायरेक्ट ऑन हो जाता है. दोनों माउस ही USB 3 को सपोर्ट करते हैं और दोनों का ही पोलिंग रेट समवेयर अराउंड 125 हर्ट्ज़ है, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है. और दोनों का ही DPI अप टू 6400 होता है. अब हाथ में लेने के बाद यूज़ करने को ये माउस ज़्यादा अच्छा लगता है, ये F15. बट सॉफ्टवेयर कंट्रोलेबिलिटी और बाकी चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा अच्छा है A15. इसका एक अपना सॉफ्टवेयर भी है, ये
इससे हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एडवांस्ड है ऑफिस, आप अपने हिसाब से ऑफिस के लिए ऑफिस मोड सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मैंने 3 माउस कनेक्ट कर रखे इसलिए स्पेसिफाइड डिवाइस फाउंड नहीं हो रहा, बाकी दोनों को डिसकनेक्ट कर देता हूँ मैं। अब इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑफिस के लिए ऑफिस मोड एडवांस्ड के लिए कुछ एडवांस ये चीज़ कंट्रोल कर सकते हो। आप DPI सेलेक्ट कर सकते हो, गेम के लिए अपने हिसाब से बटन्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और मैक्रो में पता नहीं क्या होता है, मैंने ट्राई नहीं किया। और लाइट में डिफरेंट ऑप्शंस है लाइट को सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपको लाइट पसंद नहीं है तो डिजेबल भी कर सकते हो आप, डिजेबल करके अप्लाई तो लाइट बंद हो जाता है। और अगर फिर इनेबल कर दिया फिर अप्लाई तो लाइट स्टार्ट हो जाता है। इसमें लाइट का स्पीड आप स्लो फास्ट भी कर सकते हो, लाइक मैंने 8 कर दिया तो अप्लाई किया फुल स्पीड में लाइट चेंज होगा। और अगर मैंने 5 या 4 कर दिया फिर भी अप्लाई किया तो लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, मतलब एक कलर से दूसरे कलर में ट्रांजिशन का स्पीड। ये फीचर F15 में नहीं है, F15 अपने हिसाब से चलता रहता है। तो मैं कनेक्ट करके F15 को कनेक्ट करता हूँ। F15 अपने हिसाब से चलता रहता है, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। इसका लाइट अपने आप चेंज होता है, जो मोड सेट किया हुआ है फैक्ट्री से उसी हिसाब से चेंज होता रहता है। और पोलिंग रेट में टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए पोलिंग रेट, ये है F15। अब F130 भी हो जा रहा है किसी तरह से। अच्छा, ये 135 कैसे हो गया, कोई बात नहीं। अब A15 का दिखाता हूँ। तो मैं A15 को कनेक्ट कर लिया है, अब इसका पोलिंग रेट चेक करते हैं। ये भी 135 दिखा रहा है, बॉक्स में 125 लिखा था। कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है, रेस्पॉन्सिव होता है माउस। तो ठीक है, यही था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, थैंक यू। करंटली दोनों के प्राइस में भी सिर्फ 50 रुपीज़ का फ़र्क है। ये A15 से 50 रुपीज़ चीपर है फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन दोनों में। अमेज़ॉन में पता नहीं ये है कि नहीं, बट फ्लिपकार्ट में ये चीपर है इससे। और एक चीज़, दोनों में ही सेम क्वालिटी के ब्रेडेड केबल्स आते हैं।